रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कल रात मुमरा बाईपास पर अचानक रोड पर गड्ढा हो गया और उसके अंदर का सरिया नजर आने लगा। इस हादसे को देखते हुए तुरंत हैवी गाड़ियों को बंद कर दिया गया। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड मुमरा बाईपास पर पहुंचे। हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि खराब मटेरियल इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि इस बाईपास को बंद कर देना चाहिए क्योंकि टोल बचाने के लिए सभी गाड़ियां यहीं से जाती हैं। इस बाईपास को लेकर जितेंद्र अवार्ड ने PWD के अधिकारियों को कल 12 बजे बुलाया है। आइए सुनते हैं कि हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। खड्डा पड़ला है। हाँ सर, हाँ सर, रात्री खड्डा पड़ला है। आज सकाळी आलो, निकृष्ट दर्जाचं काम कसं असतं याचं हे उत्तम उदाहरण। माझी अशी स्पष्ट भूमिका आहे की जे कोणी त्यावेळेस एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर इथे देखरेख करण्यासाठी होत्या, त्या कोण बाई होत्या, सगळी लोक सस्पेंड झाली पाहिजे। 2 वर्षात तुमचं सगळं खराब होतं। खालची पट्टी 5 इंचाची नाही, कॉन्क्रीट 1/2 इंचाचं नाही, काम आहे का मस्करी आहे। जे स्टील वापरलंय ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचं सगळं दिसतंय। एक खाली बघितलं तर रस्ता दिसतोय। हे जे काम ताबडतोब PWD ने सुरू केलं पाहिजे। मी गेल्या 6 वर्ष मागणी करतोय, 6 वर्ष की ह्या रस्त्याला टोल लावा। टोल लावण्याचा फायदा आम्हाला नव्हता, होता काय की अहमदाबादकडे किंवा नाशिककडे जाणारे जे रस्ते आहेत, जे 3 रस्ते आहेत त्याच्या 2 रस्त्यांवरती टोल आहे, या एकाच रस्त्यावरती टोल नाही। त्यामुळे ट्रकवाले तो टोल वाचवायला सगळे ट्रकवाले इथं जातात। इसकी तुरंत इन्क्वायरी करनी चाहिए जी, और इसके ऊपर जिन ऑफिसरों ने काम पे ध्यान देने का उनका जिनका काम था उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि काम एकदम 3rd ग्रेड हुआ जी। पैसा लाने का काम हमारा है जी जी, लेकिन वो काम कैसा होता है वो देखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, डिपार्टमेंट की है। सर आप कल 12 बजे मैंने सबको बुलाया है जी, जगह पे आके वो इसका जायजा लेंगे जी। मुझे लगता है कि ये रोड बंद कर देना चाहिए जी, और फिर से एक बार नया रोड करना चाहिए। और ये जो पतरा है वो जो नीचे, तो मैंने देख बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो भी क्या कह रहे छुपाने के लिए मुझे मालूम नहीं जी, लेकिन आई बीम के सिवा ये रुक ही नहीं सकता जी, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम है 100 ट्रक तो जाती आती रहती है जी जी जी। तो यानी 100 ट्रक यानी 10 टन की अगर एक ट्रक देखे तो 1000 टन का माल जाता है जी। तो 1000 टन का स्ट्रेस लेने के लिए वो उतनी सी पट्टी कहाँ आई? बिल्कुल नहीं। आपने बोलने से पहले इनकी उनकी बातें सुन के नहीं, मैं जब आया तभी बोला कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए। ओके।